में स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल आनंद आर्टिकल में। बहुत ज्यादा व्यूज आने के लिए यानी आपका चैनल ग्रो करने के लिए किस समय किस तरह का किस कैटेगरी का हमें वीडियो बनाना चाहिए मैं आपको बता दूं। आपका चैनल कैटेगरी कोई भी हो, गेमिंग हो, हेल्थ का हो, अनबॉक्सिंग का हो या फिर इस तरह का टेक चैनल हो, आज इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है मित्रों, अगर चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो आने वाली वीडियो सूचना आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि किस समय किस कैटेगरी का हम वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे ताकि बहुत सारा व्यूज यहाँ पे आ सके। एक बंदा है उसका नाम है राजीव कुमार, तो उसने मुझसे पूछा कि सर मैं भी बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे अपलोड करता हूँ और बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या है इसकी प्रॉब्लम क्या है आखिर। तो मैं उसके चैनल पे जाकर के देखा भाई, उसके सारे चीज मुझे सही लगे, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ, थंबनेल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक लगा और उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे दिखा। एक ही प्रॉब्लम मुझे दिखा, वो जो वीडियो बना रहा था उस वीडियो का टॉपिक सही नहीं था, टॉपिक चॉइस उसका गलत था। अब कैसे गलत था मैं आपको बता दूं, उसका जो चैनल है वो है न्यूज पे, ठीक है, और न्यूज कैटेगरी पे वो चैनल बनाता है। तो उसके टॉपिक ऐसे हुआ करते थे कि मान लो आज के 15 दिन पहले नवरात्रि खत्म हुआ और नवरात्रि के स्टार्ट होने से एक दो दिन पहले उसने बना दिया कि दुर्गा माता को कैसे प्रसन्न करें। हालांकि मैं उसके वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, आपके समझने के लिए बहुत बता रहा हूं कि आप समझिए कि वो उसके वीडियोस टॉपिक कैसे हुआ करते थे। दो दिन नवरात्रि रह गया है और वो आज बना रहा है वीडियो 2020 में नवरात्रि में दुर्गा माता को कैसे प्रसन्न करें या कैसे पूजा करें। अब भाई उसके जो टॉपिक है वो टॉपिक केवल 11 दिन के लिए है, आप समझ सकते हैं 2020 के नवरात्रि में दुर्गा माता को इस तरह से प्रसन्न करें। तो वो नवरात्रि भाई 9 दिन का होता है और 2 दिन पहले उसने मान लो वीडियो बनाया 11 दिन, 10-11 दिन के बीतने के बाद में उसके वीडियो को कोई सर्च नहीं करेगा, क्योंकि 2020 के नवरात्रि कौन सर्च करेगा भाई, बीत चुका ना, अभी तो बीत चुका। तो अब उसके वीडियो जो थे उसको कोई सर्च नहीं करने वाला है, कोई नहीं देखने वाला है, दिखता भी है अगर किसी सजेशन में तो भी लोग नहीं देखना चाहेंगे कि भाई 2020 के नवरात्रि के बारे में बताया है बंदा, छोड़ो। और एक मैं आपको समझने के लिए बात बता रहा हूं, जैसे कल इलेक्शन है 2020 का, कल इलेक्शन है और आज उसने बना दिया कि 2020 का चुनाव कब है, ठीक है, और 2020 का चुनाव 5 दिन बाद बीत जाएगा, 2 दिन बाद बीत जाएगा जब यह है हाल फिलहाल में। अब उसके उस टॉपिक पर कोई सर्च नहीं करेगा, 1-2-3-4 दिन जो भी है उस इलेक्शन को आने में, उतने दिन में कोई सर्च करके देखना चाहा तो देखा, तो भाई उसका चैनल भी शुरुआत ही किया हुआ है तो उसकी वीडियोज भी इतने सजेस्ट नहीं होंगे, इतने ज्यादा नहीं लोगों को दिखाई देंगे, और उन्हीं में कुछ लोगों के दिखाई भी देते हैं तो भाई दिखते दिखते वो 10 दिन बीत गया। अब उसके टॉपिक को कौन देखना चाहेगा। आज 2 नवंबर है तो आप 5 नवंबर को निकलने वाला है वैकेंसी, आप सरकारी रिजल्ट के ऊपर बना दीजिए कोई वैकेंसी, रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है 5 तारीख को, 5 नवंबर 2020 को, और 3 दिन टाइम बचे हुए हैं। आज मैं वीडियो बना करके रात को अपलोड कर दूं तो मेरे पास 2 दिन बचेंगे, 3 दिन, 2-3 दिन में मैं कितने व्यूज हासिल कर लूंगा और 2-3 दिन के बाद में वो न्यूज गायब हो जाएगा, कोई नहीं सर्च करना चाहेगा, कोई उस चीज को सर्च नहीं करेगा, और जिनको दिखता है तो दिखते दिखते भाई वो 5 नवंबर बीत गया। मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूं जिसे आप करके अपने चैनल पे व्यूज ला सकते हैं, ऑल टाइम सर्चेबल कंटेंट यूज कीजिए, जैसे कि हाउ टू क्रिएट माय यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट ए बेस्ट यूट्यूब चैनल, ये हमेशा सर्चेबल है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है इस टॉपिक पे पहले से, लाखों करोड़ों, लेकिन भाई ये हमेशा ऑल टाइम सर्च किया जाएगा, तो कुछ लोग लेकिन हमेशा ऑल टाइम आजीवन इस टॉपिक पे सर्च करते रहेंगे, थोड़े थोड़े व्यूज हमेशा आते रहेंगे। किसी वीडियो का डेट निर्धारित मत कीजिए कि 2020 में ये करें, 2019 में ये करें, 21 में ये करें, कोई ऐसा टॉपिक आप डालते हैं तो कोई इस टॉपिक पे सर्च नहीं करना चाहेगा भाई, 2020 में अगर डालते हैं तो 21 नहीं आएगा क्या, 22 नहीं आएगा, तो 20-21 नहीं डालिएगा, अगर डालना है तो टाइटल टैग में डाल सकते हैं एक जगह पे, बाकी टाइटल बिल्कुल नहीं यूज कीजिएगा। इससे अच्छा है कि आप सीजनली वीडियो बनाइए। अब सीजनली वीडियो क्या है दोस्तों, जैसे मान लो अभी ये नवंबर है, ठीक है, अभी दिसंबर या जनवरी आने वाला है, तो मैं दिसंबर या जनवरी के बारे में अभी से वीडियो बना दूं, तो मेरा थोड़ा वीडियो चलने लगा है, मैं थोड़ा सा ग्रो कर चुका हूँ हल्का फुल्का,
तो मेरे वीडियो पर अगर वॉच आ रहे हैं, थोड़े सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैं बना सकता हूँ सीजनली वीडियो। सीजनली वीडियो का मतलब है कि मैं 2020 के बारे में, 21 के बारे में बना दूं, नया साल 2021 में कुछ ये बनाइए, कुछ एक चीज कीजिए या ये वो जो भी है। तो चूंकि अभी 2 महीने सामने आ मेरे, नवंबर दिसंबर जनवरी आने में 2 महीने अभी वक्त है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने पहले से लोगों के ये वीडियो सजेस्ट होने लगेंगे, दिखने लगेंगे और लोग कुछ ना कुछ वीडियो देखना चालू कर देंगे और फाइनली उस वीडियो पे काफी व्यूज आ सकते हैं। लेकिन ये गलती भी आप तब मत कीजिए जब आप शुरुआत ही कर रहे हैं। शुरुआत में ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाइए जो हमेशा सर्च किए जाए भाई। तो इस तरह के अगर मैं कुछ वीडियो बनाता हूं तो वो ऑल टाइम सर्चेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके आना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।